जैसा कि पिछले दो भागों के माध्यम से आपको पता लग चुका है कि रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर सुरक्षा प्लान के 5 अलग अलग वेरिएंट हैं, जिनमें से रिटर्न ऑफ प्रीमियम और अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है जो थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पिछली वीडियो में आपने इनकम बेनिफिट और लाइफ प्लस ऑप्शन की जानकारी को जाना था उदाहरण के साथ में। इन दोनों ही वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचेगा। ये दोनों वीडियो देखिएगा जरूर आज की वीडियो एंड तक देखने के बाद। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर सुरक्षा प्लान के ऑप्शन नंबर 5 लाइफ एंड हेल्थ की। अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको लाइफ कवर तो मिलेगा ही, क्योंकि ये टर्म प्लान है। आपकी डेथ होगी तो आपके नॉमिनी को क्लेम दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। उसी के साथ में आपको इसमें इन बिल्ड क्रिटिकल इलनेस कवर मिलेगा और उसमें 25 गंभीर बीमारियों को लिस्टेड किया गया है और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना होगा। और जो क्रिटिकल इलनेस कवर है, CI का मतलब है यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस, BSA का मतलब है बेसिक सम अशर्ड, यानी कि क्रिटिकल इलनेस कवर क्या हो गया, बेसिक सम अशर्ड का 25%। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, वो है 50 लाख रुपए तक। यानी कि बेसिक सम अशर्ड का 25% तो होगा, लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, हाई रेजोल्यूशन पे देखें। जितनी भी 25 क्रिटिकल इलनेस है उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्रिटिकल इलनेस कवर के लिए वेटिंग पीरियड रखा गया है 90 दिन का, यानी कि प्लान लेने के 90 दिन के बाद अगर क्रिटिकल इलनेस होती है तो वो एंटरटेन की जाएगी, यानी कि उसके लिए कंपनी आपको क्लेम दे सकती है। और याद रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि पहले से कोई बीमारी हो उसको छुपा लें, क्योंकि उस बीमारी की वजह से अगर गंभीर समस्या बन गई तो नहीं देगी क्लेम। डायग्नोसिस होने के बाद 30 दिन आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद आपका क्लेम मिल सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप रिलायंस के सुपर सुरक्षा प्लान के लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन को लेते हैं तो लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन के लिए एंट्री एज लिमिट रखी गई है 18 से 65 साल। इसके साथ में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म जो मिलता है वो है रेगुलर पे का, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करेंगे। पॉलिसी टर्म के ऑप्शन आपको मिल जाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल का। लेकिन लिमिट है कि जो मेच्योरिटी एज है लिमिट का, वहीं तक ही आपको मिल सकता है पॉलिसी टर्म। मेच्योरिटी एज का लिमिट क्या है मैक्सिमम, वो है 75 साल का। बेसिक सम अशर्ड का जो लिमिट है वो रखा गया है 25 लाख रुपए का। मैक्सिमम कवर जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कि वो कितना अप्रूव करते हैं आपको। प्रीमियम का जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा आपकी आयु के ऊपर, पॉलिसी टर्म के ऊपर, आप कितना सम अशर्ड ले रहे हो उसके अनुसार प्रीमियम डिसाइड की जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं, एंट्री एज ले लेते हैं 40 साल की, यानी कि बीमा धारक की जो आयु हम यहाँ पे 40 साल मान रहे हैं, पॉलिसी टर्म वो ले रहे हैं यहाँ पे 30 साल का, तो रेगुलर पे ऑप्शन है इसमें, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म PPT यानी कि 30 साल का हो जाएगा। BSA यानी कि बेसिक सम अशर्ड 1 करोड़ रुपए का लिया। अब देखिए प्लान में लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन के लिए हमारे उदाहरण के अनुसार जो प्रीमियम पे करना होगा एज पर पॉलिसी ब्रोशर वो 51,693 रुपए का होगा सालाना, ठीक। अब पॉलिसी में आगे चल के जब भी डेथ हो जाती है, अगर जैसा कि यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि 15वें साल पे डेथ हो गई, तो ऐसे में बीमा धारक के जो नॉमिनी होंगे उन नॉमिनी को कंपनी बेसिक कवर जो कि 1 करोड़ रुपए का पे कर देगी और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब क्योंकि ये लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन है तो इसमें आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर भी मिल रहा है जो कि बेसिक सम अशर्ड का 25% है। बेसिक सम अशर्ड हमारे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का है, तो उसका 25% निकालेंगे तो 25 लाख रुपए का हो गया यहाँ पे क्या, क्रिटिकल इलनेस का कवर। अब हम मान लेते हैं कि बीमा धारक को पॉलिसी के 6ठे साल पे कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस हो गई, 25 लिस्टेड है उसमें से कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोसिस रिपोर्ट से 30 दिन, क्योंकि 30 दिन का क्या है सर्वाइवल पीरियड है, रुकना होगा। उसके बाद में कंपनी बीमा धारक को क्रिटिकल इलनेस का क्लेम दे देगी जो कि हमारा यहाँ पे 25 लाख रुपए का, राइट। अब जैसे ही क्रिटिकल इलनेस का यहाँ पे कवर क्लेम मिल जाएगा उसके बाद में प्रीमियम घट जाएगी, क्योंकि प्लान कंटिन्यू रहेगा 1 करोड़ के लाइफ कवर के साथ में ही। प्रीमियम घटकर हो जाएगी 33,705 रुपए रेगुलरली जो कि पॉलिसी टर्म के एंड तक पे करना होगा, और आगे चल के अगर डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को पे कर दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि क्रिटिकलनेस हो गया तो पॉलिसी वहीं बंद हो जाएगी, क्रिटिकलनेस का क्लेम भी मिल जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू भी रहेगी और प्रीमियम भी रिड्यूस हो जाएगा। अब बात आती है पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की। तो अगर आपने लाइफ प्लस या लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन लिया है तो यहाँ पे पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट जानने के लिए हमें पेड अप फैक्टर निकालना होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमने पे किए हैं उसका हम भाग दे देते हैं जितने नंबर ऑफ प्रीमियम हमें पे करने थे पॉलिसी के अंदर, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान, तो हमारा पेड अप फैक्टर आ जाता है। और जब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसे में डेथ होने पे पेड अप सम अशर्ड ऑन डेथ मिलता है,
यानी कि जो हमारा बेसिक सम अशोर्ड होता है उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देते हैं, और अगर हम जो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं उसमें हमें मैच्योरिटी बेनिफिट अगर मिलना है तो पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है, जो कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% होता है, यानी कि जितनी भी प्रीमियम हमने बेस पे की है उसका 105%। अब पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कब कन्वर्ट होगी, उसके लिए कंडीशन है कि पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम टाइम पे कर ली, उसके बाद आगे चल के अगर नहीं पे कर पा रहे हैं प्रीमियम तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे में अगर डेथ हो जाती है तो अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लिया है या अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन लिया है या आपने इनकम बेनिफिट ऑप्शन लिया है, तीनों ही कंडीशन में डेथ के केस में पेड अप सम अशोर्ड ऑन डेथ दिया जाएगा, यानी कि बेसिक सम अशोर्ड में पेड अप फैक्टर का गुणा करके आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप सर्वाइव करते हैं तो ऐसे में सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि इनकम बेनिफिट यानी कि मनी बैक बेनिफिट जो होगा वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के साथ में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपने अगर अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को लिया होगा और आप प्लान में सर्वाइव करते हैं 60 साल के हो जाते हैं पॉलिसी एंड तक, तो 60 साल की उम्र पे जितना भी प्रीमियम पे किया उसका 105% आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल सकता है। अगर आपने इनकम बेनिफिट ऑप्शन लिया होगा तो ऐसे में जो सर्वाइवल बेनिफिट है यानी कि जो इनकम बेनिफिट है जिसे मनी बैक भी कह सकते हैं वो पॉलिसी टर्म के एंड में ही मिलेगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो मंथली इनकम है उसका जोड़ कर लिया जाएगा टोटल जितना बनेगा और उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा। अब मंथली इनकम बेनिफिट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया, इनकम बेनिफिट वाली वीडियो में पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। पॉलिसी में आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड मिल जाता है, राइट। और वीडियो को फुल स्क्रीन पे रखिएगा क्योंकि 4 राइडर आपको इस प्लान में मिल रहे हैं जिसकी जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इन राइडर के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज खुद भी समझें दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो पॉलिसी वार्डिंग या पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना हम प्लान नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जानकारी अगर आपको क्लियर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम